हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय रिचुअल्स। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेम यूमिक और सेल्फ यूनिक। तो सर, मुझे कल एक बच्चे ने कॉल किया रात में, बोला कि सर मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं उसको अगर फास्ट करूं तो कैसे फास्ट करूं। तो मैंने उसको बताया, फिर मैंने सोचा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। मैंने सोचा कि चलो उसको भी हो जाएगा, प्लस आप लोगों को भी बता देता हूँ आपकी भी लैपटॉप में जैसे समस्या। जितने भी सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, ऑटो कैड, रेबिट, टिकला जैसे सॉफ्टवेयर को अगर डालोगे, ई टैब को डालोगे, टिकला को, ऑटो कैड को, कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है रेबिट को, तो लैपटॉप स्लो हो जाता है। तो अब लैपटॉप को कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे हमेशा उसको स्पीड में रखें, इसके लिए कुछ टिप्स आप करो अगर फॉलो करोगे तो 100% आपको क्या बोलते स्पीड मिलेगा। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी मैं स्पीड नहीं बढ़ाया हूँ, मतलब बढ़ाया ही नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगता, प्लस मेरा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अच्छा है तो चल जाता है। स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, पहली चीज कि डेस्कटॉप के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ डेस्कटॉप है क्योंकि मेरा दिन भर काम चलता रहता है। तो आपको डेस्कटॉप पे 3 से 4 आइकन, 5 आइकन जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही रखिए, एक्स्ट्रा मत रखिए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आपका जो ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव जितना खाली रहेगा, देखो मेरा बहुत भर गया है, आपका सी ड्राइव जितना खाली रहेगा उतना ज्यादा स्पीड मिलेगी आपके लैपटॉप पे। ठीक है, तो सी ड्राइव के अंदर कौन आता है, ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं होना चाहिए आपके, आपके डाउनलोड्स में कुछ इन द सेंस जो इंपॉर्टेंट है बस उतना होना चाहिए। डाउनलोड्स में देखो मेरे कितनी फाइलें हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, ये है वो है। ठीक है, आपके डाउनलोड्स में अगर आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो इसको कम रखो। सी ड्राइव जितना फ्री रखोगे उतना स्पीड आएगी। बट सी ड्राइव के अलावा क्या अल्टरनेट रास्ता है, दूसरा अल्टरनेट रास्ता है कि आपको बीच बीच में यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर डालना रन, कई लोगों को पता होगा कई लोगों को नहीं पता होगा, रन, और रन पे इंटर कर देना। कर दिया, और इंटर करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज TEMP, परसेंटेज TEMP जैसे ही करोगे ओके कर देना, अपने आप आपके पास ये बहुत ढेर सारी फाइलें आ जाएंगी। मेरे लैपटॉप में मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ इन सब चीजों को, तो कम फाइल है, आपके लैपटॉप में देखना बहुत ज्यादा होंगी। सबको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना और डिलीट कर देना। ठीक है, ये सब कोई बताया क्या नहीं, मैं आपको बहुत काम की बता रहा हूँ। कुछ फाइलें अभी मेरी चल रही है, काम चल रहा है इस पे, तो नहीं दिखाई और नहीं डिलीट होगी तो उनको स्किप कर दूंगा। बाकी जो काम जिस पे नहीं चल रहा है उन सबको मैंने रिमूव कर दिया। क्लियर है, अभी कैम्पटेंसी अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये नहीं चल, रिमूव हो सकता। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, रुकना नहीं है आपको, यहाँ पर रन पे फिर से क्लिक करना है और एक कमांड लगाना है जिस कमांड का नाम है ट्री। क्या नाम है, ट्री, TREE। मैं इसको भी करता रहता हूँ क्योंकि इन दोनों से काफी अच्छा मिल जाता है स्पीड। जस्ट जैसे इसको क्लिक करके इंटर करोगे अब आपका लैपटॉप की जो स्पीड है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आपको स्पीड चेक करना है तो टेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जाओ, यहाँ पर ऐप हिस्ट्री में जाओगे, सॉरी क्या परफॉर्मेंस में जाओगे, तो यहाँ पर देखो मेरा जो डिस्क है 0.0%, जितना कम परसेंट पर रन कर रहेगा उतना स्पीड देगा। तो मेरा SSD देखो 1%, क्योंकि SSD मेरा थोड़ा भरा हुआ है। ठीक है, तो SSD भी मेरा फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप अपने लैपटॉप में देखोगे आपका 67-68% तक PG दिखा रहा होगा, मेरा लगभग लगभग दोनों ही फ्री है, इसकी वजह से मेरी लैपटॉप की स्पीड अच्छी है। और एक दूसरा रीजन होता है कि SSD की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक ज्यादा रहती है, मेरे में SSD और ये दोनों है अलग अलग। और क्या कर सकते हैं, मान लो इन दोनों से स्पीड आ गई, कुछ लोग के लैपटॉप में और ज्यादा स्लो है, तो फिर भाई आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, डिस्क क्लीनअप। बहुत से वायरस आ जाते हैं आपके लैपटॉप में, यहाँ पर लिखना डिस्क क्लीनअप, और इसके बाद कौन सी ड्राइव, वैसे तो आपको हर ड्राइव को करना चाहिए, मैंने सी ड्राइव किया और ओके किया, तो यहाँ वो कैलकुलेट कर लेगा, सबको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें जो फालतू की फाइल्स रहेंगी वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, देखो रिसाइकल बिन में मेरे कितना GB भरा हुआ है, 62 GB। अब एज्यूम करो 62 GB जब खाली हो जाएगा तो कितना लैपटॉप मेरा स्लो हो जाएगा, ठीक है, ओ सॉरी फास्ट हो जाएगा। तो ये चीजों को रिमूव करना होता है, जस्ट इसको ओके कर दो और यहाँ पर परमानेंट डिलीट, ये गया। जैसे ये डिलीट होगा मेरे लैपटॉप की स्पीड और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, डिस्क क्लीन अप, टेम्परेरी फाइल को रिमूव करना, ट्री कमांड लगाना, ठीक है, ये 3-4 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो, प्लस सी ड्राइव को जितना हो सकता है खाली रखो, इससे स्पीड आपकी अपने आप बूस्ट हो जाएगी और आपका लैपटॉप का स्पीड बहुत अच्छे से चलेगा। आप करके देखो, आपको बेनिफिट होता है तो फिर आना कमेंट करना, बताना हाँ सर इससे मेरे को बेनिफिट हुआ। डिस्क क्लीनअप से बहुत ज्यादा हो जाता है, बट नॉर्मल बार बार डिस्क क्लीनअप करने से बेटर है कि नॉर्मल आपको यहाँ से रन पे टेम्परेरी फाइल मूव कर देना है, ट्री कमांड लगा देना है। और तीसरा काम, जो भी फाइल रखना है आपको लैपटॉप में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मत रखो, रखो दूसरे ड्राइव में रखो। ये देखो मेरा, ये देखो डिलीट हो गया, फालतू जितनी रिसाइकल बिन में थे, अब देखो क्या हो गया, ये खाली हो गया, अब स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो डाटा है, ये डाटा में क्या बोलते हैं, जितना भर सकते हो इसमें भरो,
ये रिमूव, ये जितना ज्यादा खाली हो सकता है खाली रखो, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स थे, मैंने सोचा आपको भी शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपका भी बेनिफिट हो और प्लस उस बच्चे को भी आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे अपने लैपटॉप को कैसे, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल करके रखो, किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे पास 16 सॉफ्टवेयर है। आप जिस पर अभी काम कर रहे हो सिर्फ उसको इंस्टॉल करके रखो, 5 सॉफ्टवेयर, 4 सॉफ्टवेयर, 3 सॉफ्टवेयर, दैट इज सफिशियंट। तो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। किसी और कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो नीचे कमेंट करो, कोशिश करेंगे आपके भी जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।